स्वागत है आपका POV हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रहस्यमय और भयानक कहानी। जी हां दोस्तों, कहानी ही कुछ ऐसी है। यह कहानी शुरू में तो आपको साधारण ही लगेगी, फिर कहानी में आगे जाते जाते यह कहानी रहस्यमय हो जाएगी। रहस्य के अंदर और भी रहस्य आएंगे और अंत अंत तक यह कहानी डरावनी भी हो जाएगी। कहानी का नाम है ज्योतिषी का रहस्य और इस कहानी के लेखक है पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप भी सुनते हैं डरावनी और रोमांचित करने वाली कहानियां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं हमारी आज की इस रहस्यमय कहानी की ओर। मेरे एक परम मित्र हैं, नाम है रामअवतार पांडेय। ज्योतिष शास्त्र में उनकी गहरी रुचि है, फलित गणित दोनों में काफी अच्छा प्रवेश है उनका। समान अधिकार रखते हैं ज्योतिष के इन दोनों पक्षों पर। पहले तो बनारस में ही रहते थे, मगर अब पश्चिम भारत के एक प्रमुख शहर में अपने बड़े लड़के के साथ रहते हैं। काफी लंबे अरसे के बाद आज एक पत्र आया है रामअवतार पांडेय का। उन्होंने लिखा है, मेरे शहर में एक बहुत बड़े तांत्रिक ज्योतिषी रहते हैं, नाम है नरेश मंडल। आयु बस यही है लगभग 60-65 वर्ष। उनका रूप रंग और वेशभूषा देखकर प्राचीन ऋषियों की याद आ जाती है। अपनी विद्या में पारंगत हैं, काफी यश कीर्ति है उनकी। बड़े बड़े विद्वान और ज्योतिषी उनके पास आते हैं, राजा महाराजा तक हाथ जोड़ते हैं। यह अवसर मत छोड़िए, आप पत्र पाकर तुरंत अपने आने की सूचना दें। योगी तांत्रिक और ज्योतिषी मेरी दुर्बलता रहे हैं और मेरी इस दुर्बलता से रामअवतार पांडेय परिचित थे। मैंने उसी समय अपने आने की सूचना तार से दे दी पांडे जी को। मेरी एक सहयोगिनी है, नाम है उषा तिवारी, पिछले कई सालों से मेरे निकट है। योग तंत्र और ज्योतिष में काफी गहरी रुचि उनकी भी है। जब उषा जी को यह समाचार मिला तो वह उत्साहित ही नहीं उत्तेजित भी हो उठी। अब तक कम से कम 40-50 ज्योतिषियों को वह अपना हाथ दिखा चुकी थी। चिट्ठी लिख लिखा कर कई बार वीपी से वर्षफल मंगवा चुकी थी। कभी कोई भविष्यवाणी सही नहीं उतरी थी पूरी पूरी, फिर भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। वह आग्रहपूर्वक कह उठी, मैं भी चलूंगी, मुझे भी ले चलिए आप। मैं उषा जी के आग्रह को टाल न सका। तीसरे दिन उनको साथ लेकर मैं रवाना हो गया। पांडे जी मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, साथ में उषा जी को देखकर गदगद हो गए। रात 12 बजे तक मंडल महाशय की ही चर्चा करते रहे वह। फीस कितनी है उनकी, उषा जी ने पूछा। बहुत ज्यादा तो नहीं है। नहीं नहीं, फीस वे चाहे जितनी लेते हो, मुझ पर विशेष स्नेह है उनका, मेरे से कोई ज्यादा फीस लेना ही नहीं चाहते वे। आप जो कुछ ठीक समझे प्रणामी के तौर पर दे दीजिएगा बस। पांडेय जी आगे कहने लगे, फिर भी आज उनसे मुलाकात हो सकेगी या नहीं कुछ कह नहीं सकता, बड़े ही मूडी आदमी है। मूड ना हो तो चाहे जितनी फीस दी जाए कुछ नहीं बताते, अलग अलग दिन अलग अलग मूड रहता है। साएं के बाद किसी को अपने घर में घुसने ही नहीं देते, स्वयं कभी कदा ही बाहर निकलते हैं, कभी सड़कों पर घूमते फिरते हैं, कभी किसी सुनसान स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, कभी कभी तो कब्रिस्तान या श्मशान में जाकर भी बैठ जाते हैं महाशय। उनके इस अटपटे स्वभाव की बात सुनकर उषा जी की भक्ति और भी बढ़ गई। पांडे जी को टोक कर उन्होंने कहा, यहीं से फोन कर पता लगा लीजिए कि कल किस वक्त भेंट हो सकेगी उनसे। मैंने देखा उत्तेजना से उषा जी की आंखें चमक रही थीं, मगर तभी मुझे एक खटका हुआ। मैंने पूछ लिया, पांडेय जी क्या नाम बतलाया आपने? नरेश मंडल। क्यों, इस नाम के कोई व्यक्ति आपकी जान पहचान के है क्या? उषा ने पूछा। है नहीं, थे कभी, पर ये वही है या नहीं? पांडेय जी बोले, पहले उनकी शक्ल सूरत कैसी थी ये तो मैं नहीं जानता, पर जब से मैं देख रहा हूं लंबे और दुबले पतले हैं वे, दाढ़ी मूछे बढ़ाए हुए है। पर भाई शर्मा जी है बड़े गंदे आदमी, ये मैं अभी से बता दूं। गंदे तब ये वह नहीं हो सकते। कॉलेज में इसी नाम का एक युवक मेरे साथ पढ़ता था, संस्कृत की परीक्षाएं पास करके कॉलेज में आकर भर्ती हुआ था। BA की परीक्षा एक साथ ही पास की थी हमने, फिर मैंने MA किया। नरेश स्कूल मास्टरी करने लगा था, एक अच्छे स्कूल में हेड पंडित हो गया था वह। फिर मैंने सुना कि वह ज्योतिष का अध्ययन करने लगा था। एक दिन उससे मेरी भेंट हो गई,
मैंने मजा लेने के लिए ही उससे कहा, तुम तो ज्योतिष पढ़ रहे हो आजकल, बताओ तो मेरी शादी कब तक होगी और कैसी पत्नी मिलेगी मुझे। उसने मेरे चेहरे की ओर ताक कर कहा, तुम शादी कभी नहीं करोगे शर्मा, तुम जिस युवती से प्रेम करते हो वह ऐसी ही है, मगर वह तुमको धोखा देगी, तुम टूट जाओगे और फिर कभी भी शादी न करने की कसम खा लोगे। आप सब विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद मेरी प्रेमिका का उसने बिल्कुल ठीक ठीक वर्णन कर दिया था, उसके रूप रंग स्वभाव व्यवहार आदि सब कुछ का। कुछ ही दिनों बाद नरेश की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। बिना मुझको बतलाए मेरी प्रेमिका अमेरिका चली गई और वहीं शादी कर ली एक अमेरिकन के साथ, और मैंने कसम खा ली कि जीवन में कभी भी शादी के संबंध में न सोचूंगा। यह घटना सन 1948 की है। अच्छा, उषा जी चौंक पड़ी, बड़ी ही विलक्षण बात है ये तो। फिर कहां गए आपके वे मित्र? उसके बाद फिर नरेश से मेरी भेंट अब तक नहीं हुई। हां, एक खबर अवश्य मिली कि वह मास्टरी छोड़कर कहीं चला गया। जब फिर यह नरेश मंडल व नहीं है तब कैसे कह दिया आपने? पांडेय जी ने कहा, एक बात नहीं मिलती, इसीलिए कहा। मैं जिस नरेश को जानता हूं वह बहुत ही साफ सुथरा रहता था और शौकीन किस्म का युवक था, सफाई की सनक थी उसको। कॉलेज की बात छोड़िए, मेरे घर पर भी कभी कुछ खाता पीता नहीं था, वह पानी तक नहीं पीता था कहीं। उसे शक रहता था कि शायद घड़ा डैंक करना रखा गया हो या कि गिलास ठीक से धुला हुआ ना हो। बहुत से लोग झूठे गिलास को ही घड़े में डुबोते रहते हैं, यही सब संदेह रहते थे उसे। सफाई को झक थी उसको, कपड़े लत्ते के मामले में भी यही बात थी। एक दिन के पहने हुए कपड़ों को वह दूसरे दिन नहीं पहनता था, हर रोज अपने हाथ से कपड़े धोकर पहनता था वह। ऐसा सफाई पसंद व्यक्ति भला कभी गंदा रह सकता है? आदमी का स्वभाव इतना भी बदलता है कहीं? कम से कम मैंने ऐसा होते तो नहीं देखा। पांडे जी फिर कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन सवेरे ही फोन करने नीचे चले गए पांडे जी। 5 मिनट बाद जब वे लौट कर आए तो उनका चेहरा दमक रहा था। वह बोले, भाग्य प्रबल है आप सबका, नरेश मंडल को इतनी जल्दी राजी होते कभी नहीं देखा मैंने। आज ही मिला जा सकता है ज्योतिषी महाशय से, उन्होंने कहा है कि कभी भी मिला जा सकता है उनसे, पूरा दिन है हम सबके लिए उनके पास। यह समाचार सुनकर उषा, जो सबसे अधिक प्रसन्न हुई, जल्दी जल्दी तैयारी करने लगी वह चलने के लिए। सकरी सी गली में एक बड़ा सा मकान, मकान को देखते ही सबसे पहले उसकी विशिष्टता पर ध्यान जाता था। हर तरफ सन्नाटा, अंधी गली, गली के दोनों तरफ के मकान भी ऐसे वीरान पड़े थे जैसे काफी दिनों से खाली पड़े हों, कोई इंसान जैसे कभी रहता ही न रहा हो उनमें। पर ऐसा क्यों? दोनों मकानों पर बड़े बड़े ताले झूल रहे थे, तालों पर भी लगभग आधा इंच मोटो धूल की तह जमी हुई थी। मेरे कुछ पूछने के पहले ही पांडेय जी बोले, ये दोनों मकान भी उन्हीं के हैं, कुछ साल पहले खरीदे हैं, पड़ोसियों के गुलघपाड़े से शांति भंग न हो इसी कारण खाली हो रख छोड़े हैं ये मकान उन्होंने। हां, इनके भी ऊपरी हिस्सों में किताबें संग्रहित कर रखी हैं उन्होंने, पुस्तकों का बड़ा अच्छा संग्रह है उनका, पर किताबें रखने का तो यूं ही बहाना है, असल में शांति और निर्जनता चाहिए उन्हें। मकान में बिजली तो थी मगर कॉलिंग बेल की व्यवस्था नहीं थी, दरवाजे पर ताला लगाने के लिए जो कड़े लगे थे उनको जैसे ही पांडेय जी ने घुमाया अंदर कहीं टन टन करके एक घंटा बज उठा। घंटा बजने के बाद भी लगभग 1-2 मिनट तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर एकाएक हमारे सिर पर ही जैसे कोई बोल उठा, कौन है? गंभीर स्वर था वह, कुछ झड़ता भी थी उसमें, जैसे नींद से जागकर बोला हो कोई। मैं चौंक पड़ा, पांडे जो हंसे। उन्होंने मुझे दिखाया कि दीवार में ठीक हमारे सिर के ऊपर एक गड्ढा था जिसमें एक चोंगा फिट था, उसी से आई थी आवाज, मेगाफोन जैसी कोई चीज थी वह। पांडे जी ने जोर से चिल्लाकर जवाब दिया, हम लोग आ गए हैं, मैं हूं पांडे। अरे आओ, फिर उसी चोंगे में से आवाज आई, फिर गड़गड़ाहट की एक जोरदार आवाज हुई, भीतर की सिटकनी खुल गई और वह बड़ा सा दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही खुल गया। अंदर कोई नहीं था मगर फिर भी दरवाजा खुल गया था। डरने जैसी ही बात थी, पर इससे ज्यादा नहीं डरा मैं, क्योंकि इस तरह ऊपर से रस्सी खींचकर सिटकिनी खोलने का ढंग प्रचलित देखा था मैंने, दूसरे कई मकानों में भी ऐसी व्यवस्था देख चुका था मैं। मुझे डर लगा भी तो उसका कारण दूसरा था, और वह यह कि नीचे की मंजिल एकदम निर्जन थी, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था,
यों मकान के अंदर पहली मंजिल में भी काफी सामान था, कीमती फर्नीचर था, बारीक कलात्मक काम वाली वस्तुएं थीं, जगह जगह किताबों के ढेर लगे हुए थे, कहीं आलमारी में, कहीं तख्त पर और कहीं दालान के फर्श पर। पुराने ढंग का बड़ा सा मकान था, कमरे आंगन के चारों तरफ बने हुए थे, सभी कमरे बड़े बड़े थे और सबके दरवाजे खुले हुए थे, सभी कमरे निर्जन थे और धूल की मोटी परत बिछी हुई थी उन पर। दरवाजा खुलने के लगभग एक मिनट बाद हिम्मत कर हम लोग भीतर घुसे। कुछ देर शायद और लगती अगर उसी समय ऊपर से ये आवाज ना आती, कौन है, अंदर आओ, पांडेय जी बाहर का दरवाजा अड़का देना। मजबूरन अंदर घुसना ही पड़ा। घर के अंदर धूल ही धूल जमी हुई थी, फर्श पर, किवाड़ों पर, सामानों पर, किताबों पर भी। कहना कठिन था कि कितने दिनों में जमा हुई थी इतनी धूल। शायद साल भर या इससे भी लंबे अरसे से घर में झाड़ू नहीं दिया गया था। आंगन में कूड़ों का विराट ढेर लगा था। बरसात में शायद घास पात उग आया था वहां। अब जाड़े में घास पात तो नहीं रह गया था, पर उसके निशान बाकी थे। किसी ने उन सबको फेंकने की तकलीफ गवारा नहीं की थी। दरवाजा खुलने से जो हवा अंदर आई उससे किवाड़ और फर्श पर की धूल थोड़ी उड़ी। हम लोग नाक पर रूमाल लगाकर सीढ़ियों पर चढ़े। चौड़े पत्थरों की सीढ़ियां थीं। ऊपर का बरामदा भी काफी बड़ा था। किसी जमाने में वह किसी संपन्न व्यक्ति का घर रहा होगा, यह स्पष्ट ही था, पर इस वक्त बेहद गंदा और अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रहा था पूरा मकान। चारों तरफ कितनी गंदगी और कितना कूड़ा था, इसका ठीक अंदाज भी कोई नहीं लगा सकता था बिना उस दृश्य को देखे। पांडेय जी हमें रास्ता दिखाते हुए एक खुली छत पार करके एक बड़े से कमरे में ले गए। उस कमरे में एक तरफ एक बड़े पलंग पर चटाई बिछाए ज्योतिषी महोदय बैठे हुए थे। कीमती साज सामान का इस कमरे में भी अभाव नहीं था। कमरे में जो तैलचित्र, झाड़ फानूस और गिलट के फ्रेम वाले बड़े बड़े आईने थे, इन सब के दाम ही कई हजार रुपए रहे होंगे। किताबों की कई बड़ी बड़ी अलमारियां थीं। तीन चार अलमारियां तो आबनूस की लकड़ी की भी थी। इनमें से एक एक बुककेस हजार से तीन तीन हजार रुपए तक बिक सकता था, पर इन सब की भी जो हालत हो रही थी उससे उनको पहचाना जाना भी कठिन था। बिस्तर की चादर और तकियों के गिलाफ शायद दो साल से बदले नहीं गए थे। चादर और गिलाफ किसी जमाने में सफेद रहे होंगे, यह अनुमान लगाना भी कठिन था। फर्श पर हर तरफ हर तरह का कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। फलों के छिलके, आम की गुठलियां, किसी जमाने का सूखा भात, फटे हुए कागज और व्यवहार दातू ने क्या नहीं था वहां। एक तरफ टूटा हुआ कप और झूठे बर्तन रखे हुए थे। शायद दो तीन दिनों से जमा हो गए थे बर्तन और अभी तक साफ नहीं किए गए थे। चाय के कप की भी वही हालत थी। उसी जगह धूल पर एक जल का काला पड़ा लोटा रखा था। एक कपड़ा भी पड़ा था वहीं। उस लोटे में शायद चाय का पानी गर्म किया जाएगा और उसी गंदे कपड़े से फिर चाय छानी जाएगी। ये सब तो ठीक ही था, पर कमरे में बदबू भी बहुत थी। क्या ये उस गंदे बिस्तरे की थी? इतनी तेज बदबू कि कमरे में घुसते ही हम लोग एक बारगी सिहर उठे। बड़ी कठिनाई से मिचली पर तो काबू पाया मैंने, पर सिर में दर्द हो ही गया। उषा जी की ओर ताका मैंने। उनका चेहरा भी विवर्ण हो उठा था। फागुन का महीना था, फिर भी पसीने की बूंदें उभर आईं उनके चेहरे पर, किंतु संभाले रहीं वह अपने आप को। शायद इतने बड़े ज्योतिषी को हाथ दिखा पाने के आग्रह और उत्साह से ही सब तरफ से ध्यान हटा लिया था उन्होंने अपना, या शायद इस अस्वाभाविक वातावरण को देखकर ही फिर बढ़ गई थी उनकी श्रद्धा। तख्त के सामने लकड़ी की एक बेंच पड़ी थी। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे, ज्योतिषी जी ने हाथ उठाकर उसी बेंच की तरफ इशारा कर दिया। गनीमत थी कि वह बेंच थी वहां पर। वहीं एक ऐसी चीज थी कमरे में जिस पर धूल नहीं जमी हुई थी, शायद इसलिए कि भविष्य जानने वाले अक्सर ही आकर उस बेंच पर बैठते रहे होंगे। तख्त पर जो चटाई बिछी थी वह तेल, मैल और धूल से ऐसी हो गई थी कि चटाई जैसी ही नहीं लग रही थी। तख्त पर बैठे ज्योतिषी जी का चेहरा दरवाजे पर से साफ नजर न आया। पश्चिम की ओर खुलने वाली जिस एकमात्र खिड़की से प्रकाश अंदर आ सकता था, उसके किवाड़ बंद थे उस समय। उसके अलावा कमरे में रोशनी आने के दो ही रास्ते थे, एक तो वह दरवाजा जिससे हम लोग अंदर आए थे और दूसरा एक छोटा गेशनदान। ठीक से न देख पाने पर भी मैं अंदाज से समझ गया कि वही व्यक्ति ज्योतिषी होगा। तख्त पर दोनों तरफ लाल रंग के मोटे कपड़े में बंधी कुछ पोथियां और किताबें रखी हुई थीं। सामने ही एक कीमती लेंस रखा था। एक टॉर्च भी थी जो शायद हाथ देखते वक्त काम आती थी।
इसके अलावा कई बहीखाते, दवात, कलम और बादामी कागज रखे हुए थे। वे कागज शायद जन्म पत्रियों के थे। हम लोग ज्योतिषी जी को साफ नहीं देख पा रहे थे, पर वे शायद बखूबी हमें देख पा रहे थे। लगभग एक मिनट तक दरवाजे पर ही रुके रहे हम, फिर अपने को संभाल कर पांडेय जी के पीछे पीछे उस लाजवाब बेच की तरफ बढ़े। तभी भारी आवाज में हल्के से कौतुक सहित ज्योतिषी जी कह उठे, अच्छा चक्रपाणी, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मैं चौंक पड़ा जोर से, अनजाने में ही मेरे मुंह से निकल गया, अरे नरेश तुम। गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। मेरा उपनाम चक्रपाणी था और इसी उपनाम से पहले मैं लेख तथा निबंध आदि लिखा करता था। काफी लंबे अरसे के बाद भी नरेश मेरा उपनाम नहीं भूला था। हंसकर बोला, हां भाई चक्रपाणी, मैं ही हूं। आओ, मेरी भविष्यवाणी सत्य निकली ना। प्रेम प्रपंच में नारी से धोखा खा ही गए तुम। शादी भी अब तक नहीं की है तुमने ना। हां नरेश, तुम्हारी भविष्यवाणी सचमुच सत्य सिद्ध हुई। अब तो मेरा मार्ग ही बदल गया है। शादी विवाह करने का प्रश्न ही नहीं है इस मार्ग में। पांडेय जी जैसे बुत बनकर रह गए। उन्होंने शायद ज्योतिषी जी को कभी इस प्रकार बातें करते हुए देखा सुना नहीं था। मैं भी ठगा सा रह गया था, पर इसका कारण दूसरा था। मुझे आश्चर्य हो रहा था नरेश को देखकर। यह क्या वही नरेश था जो हमेशा साफ सुथरा रहा करता था और बेहद शौकीन और विलासी था। पहले वह रोज शेव किया करता था, मगर अब बढ़ी हुई दाढ़ी मूंछ, बाल रूखे थे उसके और जटा झूठ से हो गए थे। शायद काफी दिनों से उसके सिर पर पानी और तेल नहीं पड़ा था। आंखें गढ़ों में ढंस गई थी। उसकी लंबी चौड़ी देह अब थोड़ा सामने की ओर झुक गई थी। सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे उसके कपड़े देखकर हुआ। एक धोती और जीन का कोट पहने था वह। धोती शायद 6 महीने से और कोट शायद 1 साल से पहने हुए था वह। थोड़ा पास जाने पर पता चला कि कमरे में फैली बदबू में नरेश की पोशाक का भी कुछ कम अंश नहीं था। नरेश निर्विकार और प्रसन्नता मिश्रित स्वर में बोला, आओ बैठो। फिर उषा जी की ओर उंगली उठाकर पूछा, ये कौन है? मैंने उत्तर दिया, यह है उषा तिवारी, मेरे साहित्य क्षेत्र में सहयोगिनी है। इतिहास और अर्थशास्त्र में MA किया है। अध्यात्म में भी काफी गहरी रुचि है इनकी। तुमसे अपना भविष्य जानना चाहती है। नरेश हंसने लगा, फिर बोला, ठीक है ठीक है, आओ उषा जी, तुम भी बैठ जाओ बेंच पर। आराम से बैठो तुम सब। पांडे मेरे पास इस चौकी पर बैठ जाएगा, उसे ज्यादा घृणा नहीं होती है इस गंदगी से। आदी हो गया है वह, है ना पांडे? फिर मेरी ओर मुखातिब होकर वह बोला, पांडे ने मुझे जब फोन किया था तभी पहचान गया था तुमको। सच तो यह है कि इधर कुछ दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था। इसी समय के आसपास मेरी और तुम्हारी मुलाकात का योगा योग है। मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है जिसमें तुम्हारा भी कुछ हाथ होगा। किस प्रकार का, यह तो मैं भी नहीं जानता, पर होगा अवश्य। मैंने बिल्कुल ठीक गणना कर ली है। मेरा कौतूहल बांध तोड़ने लगा, ढेरों सवाल मन में मंडराने लगे। शिष्टता का ध्यान रखते हुए नियंत्रण रखा मैंने अपने पर शायद नरेश मेरे मनोभाव को समझ गया। गहरे कुछ कहने के पहले ही वह बोल उठा, नहीं नहीं आज नहीं, तुम कल सवेरे किसी वक्त आओ और अकेले ही आना उस वक्त। आज इतनी बातें नहीं हो सकती। मैं समझ पा रहा हूं कि उषा जी ज्यादा देर यहां बैठ ना पाएगी। तुम कल आ जाना प्लीज, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। पांडे तुम बुरा ना मानना, ये बातें काफी महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए चक्रपाणी के अलावा और किसी को नहीं बतला सकता। मुझसे भी ठहरा नहीं जा रहा था वहां। उठ खड़ा हुआ मैं, पर उषा जी कह पड़ी, मेरा हाथ नहीं देखिएगा, बड़ी आस लेकर आई थी। देखूंगा उषा जी, पर यों बगैर हाथ देखे ही बताए देता हूं कि तुम्हारा जीवन एकाकी है। तुम हृदय का काम मस्तिष्क से और मस्तिष्क का काम हृदय से लेती हो, यही तुम्हारी अशांति का कारण है। तुम्हारा संपूर्ण जीवन संघर्षमय है। तुम सभी का साथ दोगी, मगर तुम्हारा साथ विरला ही कोई देगा। नरेश की बातें बिल्कुल सत्य थीं। मैंने उसकी ओर एक बार देखा और फिर नाक पर रूमाल रखकर कमरे के बाहर निकल आया। नरेश मंडल इतना गंदा क्यों था? उसे इतनी गंदगी क्यों पसंद थी? उसके जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला था? कौन सा ऐसा रहस्य था जिसके कारण वह इतना परेशान था? यह एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली रहस्यमयी किंतु आश्चर्यजनक कथा है जिसे आप
डाकिनी विद्या शीर्षक कथा संग्रह में पढ़ेंगे। तांत्रिक साधना की कई दिशाएं हैं, मगर इन्हें मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग तामसिक तंत्र साधना का है, जो मंत्रयोग पर आधारित है। दूसरा भाग राजसी तंत्र साधना का है, जो राजयोग पर आधारित है। इसी प्रकार तीसरा भाग सात्विक तंत्र साधना का है, जो ज्ञान योग पर आधारित है। मंत्र योग पर आधारित तामसिक तंत्र साधना का मुख्य विषय है भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, डाकिनी तथा पिशाचिनी आदि की सिद्धि और उस सिद्धि के बल पर उनकी शक्तियों का मानव जीवन में उपयोग। लेकिन यहां एक बात समझ लेना चाहिए कि यदि सिद्धि प्राप्त करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो वह शक्ति लाभदायक अथवा फलदायक न होकर साधक के लिए घातक ही सिद्ध होती है। जब मैं दूसरे दिन निश्चित समय पर उसके यहां गया तो वह मेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था। मुझे देखते ही एक बारगी न जाने क्यों उत्तेजित सा हो उठा वह। कांपते हुए स्वर में बोला, शर्मा, तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे इस भयानक विपत्ति से उबार सकते हो, मेरी प्राण रक्षा भी कर सकते हो। किस प्रकार की विपत्ति में फंस गए हो विस्तार से समझा कर बतलाओगे, तभी तो मैं कुछ कर सकूंगा तुम्हारे लिए। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए सहानुभूति भरे स्वर में कहा। मेरी बात सुनकर नरेश मंडल ने मेरी ओर एक अजीब दृष्टि से देखा। समझ न सका कि उस दृष्टि में क्या था। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बगल वाले कमरे में ले गया। वह कमरे में अंधेरा था। जब मैं भीतर गया तो देखा कमरे में एक कोने में सरसों के तेल का एक दीप जल रहा था और उसकी रहस्यमयी पीली रोशनी कमरे में आहिस्ते आहिस्ते फैल रही थी। काफी रहस्यमय लगा मुझे वह कमरा। सामने की दीवार पर गेरू पुता हुआ था और उस पर लाल सिंदूर से कुछ अजीब से तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। उसी दीवार से लगकर जमीन पर एक चबूतरा बना था। काले पत्थर का था वह चबूतरा, जिसके दोनों ओर जंगली भैंसे की खोपड़ी रखी हुई थी, जिस पर सिंदूर और काजल के टीके लगे थे। चबूतरे के बीच में मनुष्य के हाथ और पैर की हड्डियां आड़ी तिरछी करके रखी थीं, जिसके ऊपर मनुष्य की ही एक खोपड़ी टगी थी। पूरे कमरे में एक विचित्र सी श्मशानी नीरवता छाई हुई थी और उसी के साथ बिखरी हुई थी एक असहनीय दुर्गंध भी। मेरा जी मिचलाने लगा, मगर किसी प्रकार अपने को संयत कर मैंने पूछा, ये सब क्या है नरेश? मेरे ख्याल से यह सब अघोर पंथियों का। मेरे वाक्य को उसने पूरा ना होने दिया, बीच में ही बोल पड़ा, ठीक ही समझा तुमने चक्रपाणी, अघोर तांत्रिक साधना की यह पद्धति को अपनाकर मैंने जीवन को नरक बना डाला है। तो क्या तुम अघोर साधक हो? सक पकाकर पूछा मैंने और उसी के साथ एक बार देखा उसकी ओर। हां चक्रपाणी, मैं अघोर साधक हूं, बिल्कुल अघोरी। तभी तो इतनी गंदगी में रहता हूं मैं। ये सब गंदगी ही मेरी जिंदगी है शर्मा, वरना मैं कभी का मर चुका होता। वह राक्षसी न जाने कब की खा गई होती मुझे। काफी रहस्यमयी लगी मुझे नरेश मंडल की बात। मैं कमरे के बाहर निकल आया और आकर दालान में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। वह राक्षसी कौन है? मैंने पूछा। राक्षसी शब्द सुनते ही एक बारगी नरेश चौक सा पड़ा। ऐसा लगा मानो नींद से अचानक जग गया हो। फिर फुसफुसाहट के स्वर में बोला, बतलाता हूं, सब कुछ बतलाना ही पड़ेगा तुमको। तुम तो जानते हो ही कि मैं ज्योतिष में रिसर्च करना चाहता था और मैंने रिसर्च किया भी। काफी मनोयोग से मैंने खोज और शोध कार्य किया है ज्योतिष में। ज्योतिष से संबंधित ढेर सारी पुस्तकें एकत्र की मैंने। योग तंत्र ज्योतिष से संबंधित पुस्तकों और दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह जैसा मेरे पास है वैसा बिरले ही किसी के पास होगा। मगर चक्रपाणी, इन सब के बावजूद मुझे कभी कभी ऐसा अनुभव होता था कि मेरा ज्ञान अधूरा है, मेरी खोज भी अधूरी है। जब कभी मैं ऐसा सोचता था उस समय मेरी मानसिक स्थिति एक प्रकार से पागलों सी हो जाती थी। थोड़ा रुककर नरेश आगे बोला, एक दिन ऐसी ही स्थिति में काशी के अहिल्याबाई घाट की सीढ़ियों पर गालों पर हाथ घरे मौन साधे बैठा हुआ था। तभी मेरी दृष्टि एक महात्मा पर पड़ी। लंबी चौड़ी काठियों के थे वे महात्मा। काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, पैरों में खड़ाऊं पहने थे और हाथ में कमंडल था। सिर पर जटा झूट था और काफी लंबी दाढ़ी थी। गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं भी पहने थे वह। जब मेरी नजर उन पर पड़ी तो ऐसा लगा कि वे मानो मुझको काफी देर से निहार रहे हों। मेरी नजर उनसे मिली तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिया। बड़ी ही रहस्यमयी थी वह मुस्कुराहट।
फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर वे मेरे करीब खड़े हो गए और गंभीर स्वर में मैं बोले, तुम ज्योतिषी हो ना? मैंने हाथ जोड़कर कहा, हां महाराज, अनुमान सत्य है। काफी समय से ज्योतिष का अध्ययन और चिंतन मनन कर रहा हूं मैं। मगर बेटे, महात्मा बोले, बिना इष्ट सिद्धि के ज्योतिष अपना कार्य नहीं करता। फिर कलयुग में ज्योतिष विद्या भी तो अधूरी ही है। आपका कहना ठीक है महाराज, मगर इष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? कौन सा इष्ट करना चाहिए मुझे? ये कैसे झांत होगा मुझे? मेरी बात सुनकर महात्मा कुछ क्षण मौन रहकर बोले, तू बेटा इष्ट सिद्धि करेगा। हां महाराज, मैं इसके लिए तैयार हूं, आप मुझे आज्ञा दें। अच्छा ठीक है, तू डाकिनी विद्या की सिद्धि कर। महात्मा बोले, इस विलक्षण सिद्धि के द्वारा ज्योतिष गणना के आधार पर तू जो भी बोलेगा, जो भी कहेगा और जो भी भविष्यवाणी करेगा वह सब सत्य होगा, कहीं कोई त्रुटि ना होगी। महात्मा की यह बात सुनकर चक्रपाणि मेरा मन मयूर एक बारगी नाच उठा। नए उल्लास से भर गया मेरा चित्त। लपक कर मैंने महात्मा के दोनों चरणों पर अपना माथा टेक दिया और फिर उनके साथ उसी समय चल दिया मैं। महात्मा का नाम क्या था, यह तो तुमने बतलाया ही नहीं? उत्सुकता से पूछा मैंने। दिव्यानंद, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती था नाम उनका, नरेश ने जवाब दिया। ए दिव्यानंद, एक बारगी चौक पड़ा मैं। दिव्यानंद से मैं भली भांति परिचित था, कुछ समय तक उनके संपर्क में रह भी चुका था मैं, मगर ये बतलाया नहीं मैंने नरेश मंडल को। फिर क्या हुआ, पूछा मैंने। स्वामी जी के साथ मैं 2-3 साल तक तो तीर्थ यात्रा करता रहा, फिर वे मुझे असम ले गए। वहां एक पहाड़ी इलाके में उनका अपना एक छोटा सा आश्रम था, जिसके एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और सामने की तरफ जंगलों का सिलसिला था। जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी नदी बहती थी। काफी सुंदर और शांत स्थान था वह। मेरा मन रम गया। मैं आश्रम में रहकर तांत्रिक विधि से डाकिनी साधना करने लगा। स्वामी जी निस्संदेह उच्च कोटि के योग तंत्र साधक थे, निश्चय ही उन्हें कई दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त थीं। वे प्रायः ध्यानमग्न रहा करते थे। उनके साथ मेरे अलावा एक युवती भी रहती थी, नाम था योगेश्वरी। सचमुच वह योगेश्वरी ही थी, आयु अधिक नहीं थी, बस समझ लो यही लगभग 18-20 वर्ष की रही होगी। वह अत्यधिक आकर्षक और अनिंद्य सुंदरी थी। वह हमेशा उसके घने काले बाल खुलकर बिखरे हुए रहते थे पीठ पर। जब वह ध्यान लगाकर आसन पर बैठती, उस समय उसका मुखमंडल दिव्य यौगिक आभा से दमकने लगता था। एक दिन स्वामी जी के यहां वैसी ही सुंदर और आकर्षक 4-5 नवयुवतियां आश्रम में न जाने कहां से आ गईं। उन सभी युवतियों का रंग रूप और आयु समान थी। वे युवतियां कौन थीं और कहां से आई थीं, यह समझ में नहीं आया मेरे। मगर जब स्वामी जी ने बतलाया कि वे सब युवतियां डाकिनी है, तो यह सुनकर एक बारगी मेरा सारा शरीर रोमांचित हो उठा भय से। मगर फिर भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वे युवतियां डाकिनी है। बार बार मेरे मन में यही प्रश्न उठता था कि डाकिनी तामसिक लोक की सूक्ष्म शरीर धारिणी प्राणी होती हैं, वे कैसे इन युवतियों के रूप में यहां आ सकेंगी? पर चक्रपाणि बाद में विश्वास करना ही पड़ा मुझे। पूरे दिन तो स्वामी जी न जाने किस भाषा में उन युवतियों से वार्तालाप करते रहे। जब सांझ हुई तो उन्होंने मुझसे चने का दाल भात और मछली पकाने को कहा। मैं असमंजस में पड़ गया। सारे सामान तो थे मगर मछलियां नहीं थीं, उन्हें कहां से लाता मैं? अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी एक युवती बोल पड़ी, अरे नरेश, तू काहे को परेशान होता है, नदी में तो काफी मछलियां हैं, जाकर ले आ। अगर नदी में मछलियां होती तो मैं कभी का ना ले आया होता, मैंने कहा। युवती हंस पड़ी मेरी बात सुनकर, फिर बोली, पहले जाकर देख तो। मैं झोला लेकर नदी पर गया तो देखा सचमुच काफी संख्या में पानी के ऊपर मछलियां तैर रही थीं। खैर, मछलियों को पकाया और सारा भोजन तैयार हो गया तो एक पंक्ति में सभी युवतियां बैठ गईं और उनके सामने पत्तल पर भोजन परोस दिया गया। वे सभी एक साथ खाने लगीं, कभी दाल भात खातीं तो कभी मछली को छबर छबर चबातीं। खाने का उनका ढंग विचित्र था। उस समय मैं घोर आश्चर्य से भर उठा जबकि मैंने देखा कि वे सभी युवतियां भोजन समाप्त होते ही अपने अपने स्थान पर बैठी बैठी ही अचानक गायब हो गई। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वे सब डाकिनी ही थीं। इतनी सारी कथा सुनाने के बाद नरेश बोला, आओ मेरे साथ। यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ और मुझे लेकर एक दूसरे कमरे में गया।
उस कमरे में भी गहरा अंधकार छाया हुआ था। नरेश ने जेब से माचिस निकालकर कोने में रखा तेल का दीपक जलाया, जिसकी स्याह पीली रोशनी में सबसे पहले मेरी नजर जिस वस्तु पर पड़ी वह थी एक लंबी चौड़ी चौकी। कीमती लकड़ी की थी वह चौकी, जो ऊपर से लाल मखमली चादर से ढकी हुई थी। लगा मानो कोई उस मखमली चादर को ओढ़े इत्मीनान से गहरी नींद में सो रहा हो। नरेश मुझे लेकर धीरे धीरे उस चौकी के करीब पहुंचा, फिर बोला, चक्रपाणि, यही मेरी अघोर साधना का रहस्य है जिसे मैं तुझको बतलाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम तंत्र की कई रहस्यमयी साधनाओं से परिचित हो और तिब्बत भी हो आए हो इसी सिलसिले में। गगर मैं तुमको जो रहस्य बतलाऊंगा वह सर्वथा विलक्षण और आश्चर्यजनक होगा। हो सकता है इस रहस्यमयी कथा पर सहसा कोई विश्वास ही न करे। इतना कहकर नरेश ने आहिस्ते से उस मखमली चादर का एक हिस्सा हटा दिया। हे भगवान, ये तो लाश है, किसी सद्या युवती की लाश, एक प्रकार से चीखते हुए बोला मैं। एक बारगी भय से रोमांचित हो उठा, मेरा सारा शरीर केवल सिर का भाग ही दिखलाई दे रहा था। लाश के चेहरे पर किसी प्रकार को विकृति नहीं थी, आंखें बंद थीं, घने काले बाल खुलकर नीचे की ओर बिखरे हुए थे, चेहरे पर लालिमा थी और होंठ भी गुलाबी थे। ऐसा लगता था मानो युवती किसी मधुर सपनों में खोई हुई गहरी नींद में सो रही है। मेरा भय शनै शनै कम होता जा रहा था। नरेश ने हाले से चादर को और नीचे की ओर सरका दिया। लाश पूरी तरह नग्न थी। अब मैं लाश की कमर तक का हिस्सा देख रहा था। सचमुच युवती अत्यधिक सुंदर और कमनीय थी। उसके मध्य कलश जैसे उभरे हुए वक्ष और उसकी सुगठित देह यष्टि को देखकर भला कौन कह सकता था कि वह मर चुकी है और काल का ग्रास बन चुकी है। काफी देर तक अपलक निहारता हुआ मैं उस मृत सौंदर्य का रसपान करता रहा। तभी मुझे नरेश का भाव विह्वल स्वर सुनाई दिया। वह कह रहा था, यह जीवित शव है चक्रपाणि। अरे, ऐसा क्या कहा तुमने, चौंककर आश्चर्य भरे स्वर में बोला मैं। हां चक्रपाणि, मैं सत्य बोल रहा हूं, यह जीवित शव है। फिर थोड़ा रुककर आगे कहा, उसने, जानते हो, किसका शव है यह? योगेश्वरी का है। कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गए नरेश? यह सब कैसे संभव है? मैंने कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह पूर्ण सत्य है चक्रपाणि। यह योगेश्वरी है, स्वामी दिव्यानंद की महाभैरवी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं मुंह बाएं देखता रहा नरेश की ओर। नरेश कहता गया, यह सच है कि योगेश्वरी की मृत्यु हो चुकी है। जब मैंने पहली बार दिव्यानंद के आश्रम में उसे देखा था, उसके पहले ही वह मर चुकी थी। उसकी आत्मा से उसका संबंध टूट चुका था। जब योगेश्वरी की अवस्था 16 वर्ष की थी, तभी दिव्यानंद ने उसको भैरवी तांत्रिक दीक्षा दी और उसके गुह्यांगों की पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने योगेश्वरी पर किसी भयानक डाकिनी का आवाहन किया। आवाहन करते ही डाकिनी का प्रवेश हो गया योगेश्वरी की कंचन काया में, मगर वह डाकिनी के भार को वहन न कर सकी। योगेश्वरी की आत्मा भी सहन न कर सको डाकिनी की तामसिक शक्ति को। परिणाम यह हुआ कि योगेश्वरी मर गई, मगर उस डाकिनी ने योगेश्वरी की देह को नहीं छोड़ा, वह हमेशा के लिए उसी में रह गई। फिर क्या हुआ, होगा क्या? एक रात जब दिव्यानंद साधना में बैठे हुए थे, योगेश्वरी के शरीर में प्रविष्ट डाकिनी ने उनका गला दबाकर मार डाला। हत्या कर दी उसने दिव्यानंद की। यह घटना मेरे सामने घटी थी। योगेश्वरी मर चुकी है और उसकी मृत काया में डाकिनी का वास है। अपने निर्णय अनुसार अमावस्या की सांझ को मैं पहुंच गया नरेश मंडल के घर पर। वह अखबार का कागज जलाकर केतली में चाय बना रहा था। उस समय मुझे देखकर एक बारगी चौंक पड़ा, बोला, इस समय तुम कैसे आए? आना ही पड़ा, मगर क्यों आया हूं यह तुमको नहीं बतलाऊंगा मैं। बस इतना समझ लो कि आज की पूरी रात तुम्हारे साथ ही रहने का निर्णय किया है मैंने। मेरी बात सुनकर एक बारगी चेहरा पीला पड़ गया नरेश मंडल का। हकलाते हुए बोला, तुम मेरे साथ रहोगे आज की रात? हां, संक्षिप्त सा उत्तर दिया मैंने, मगर तुम तो जानते हो कि। जानता हूं, तभी तो आया हूं। क्या तुम मुक्त नहीं होना चाहते उस डाकिनी से? मेरी बात सुनकर नरेश आगे कुछ बोला नहीं, चुपचाप चाय बनाने लगा। मैं उसके बगल से होकर ऊपर उस कमरे में चला गया जहां योगेश्वरी की लाश रखी थी। कमरे के वातावरण में गहरी शांति छाई हुई थी। मैंने कुछ क्षण खड़ा रहने के बाद लाश पर की चादर धीरे से हटा दी।
सिर पर हाथ रखकर देखा, वह गर्म था। मेरा अनुमान सही निकला, डाकिनी का प्रवेश होने ही वाला था योगेश्वरी की काया में। दूसरे क्षण मैंने लाश के पैरों के अंगूठे को एक दूसरे से सटाकर काले धागे से बांध दिया, कसकर। लाश के मुंह से एक जोर की चीख निकली। चीख काफी भयानक थी, जिसे सुनते ही नरेश दौड़ा हुआ कमरे में आ गया। जोर जोर से हांफ रहा था वह। जैसे हो उसने कमरे में प्रवेश किया, उसी क्षण अंगड़ाई लेती है योगेश्वरी उठ बैठी। ऐसा लगा जैसे वह गहरी नींद से जाग कर अलसाई हुई उठी हो, और उठते ही उसने मेरी ओर जलती हुई आंखों से देखा और बंधे हुए अंगूठे की ओर फिर देखकर कहा, इसने तो मुझे मंत्र से बांध रखा है। और इतना कहकर झट से धागे को तोड़ दिया उसने। एक झटके के साथ अब जमीन पर खड़ी हो गई योगेश्वरी। अपने सामने एक युवती की सर्वांग जीवित लाश को देखकर रोमांचित हो गया मैं। एक बारगी सनसन सा उठा तन मन। एक बार फिर से हंसी योगेश्वरी और फिर दौड़कर लिपट गई नरेश के शरीर से। नरेश भी उन्मत्त सा हो गया उस समय तक। मेरी उपस्थिति का जैसे आभास ही नहीं रहा उसे। योगेश्वरी के देह को आलिंगन बद्ध कर रतिक्रिया में लीन हो गया वह। काफी देर तक संभोग लीला चलती रही और होता रहा काफी देर तक काम यज्ञ। उस समय मैंने काम का जो विलक्षण व्यापार देखा, वैसा किसी मनुष्य के द्वारा कदापि संभव नहीं। कोई पारलौकिक शक्ति संपन्न तांत्रिक ही कर सकता है वैसा संभोग। अंत में मैंने देखा नरेश मंडल शिथिल होकर एक ओर लुढ़क गया था और उसके मुंह से खून मिला हुआ सफेद झाग निकल रहा था, और योगेश्वरी की जीवित लाश फिस फिस कर हंसती हुई अपने स्थान पर आकर लेट गई थी। अब मैं एक क्षण विलंब नहीं करना चाहता था। लपक कर मैं लाश के करीब पहुंचा और पहले से ही हाथ में ली हुई कैंची से उसके सिर के सारे बाल कच कच कर काट डाले और जलती हुई आग में डाल दिया उसे। बालों के जलते हो कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। वह डाकिनी की चीख थी, इसमें संदेह नहीं। सबेरा होने वाला था। मैंने देखा योगेश्वरी की लाश धीरे धीरे विकृत होने लगी थी। सारा शरीर काला पड़ने लगा था और उसी के साथ कमरे में सड़ी हुई लाश की दुर्गंध भी फैलने लगी थी। डाकिनी का संबंध हमेशा के लिए टूट चुका था योगेश्वरी के पार्थिव शरीर से। नरेश मंडल भी हमेशा के लिए मुक्त हो गया था उस भयंकर डाकिनी के चंगुल से। मैं तुरंत जाकर पांडेय जी को बुला लाया और उनकी सहायता से नरेश को अस्पताल पहुंचाया। पूरे 15 दिनों तक बेहोश रहा वह। काफी इलाज हुआ, अंत में बच ही गया उसका प्राण। मगर उसकी प्राण रक्षा करने में मेरी जो शक्ति व्यय हुई, उसकी पूर्ति आज तक नहीं हो पाई है। वास्तव में तंत्र की साधना शक्ति साधना है, और उस साधना के बल पर साधक को अवश्य पारलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती है। मगर उन शक्तियों से कैसे काम लेना चाहिए, यह भी जानना आवश्यक है। जो साधक यह नहीं जानता, उसकी वही गतिमति होती है जैसी नरेश मंडल की हुई थी। रही मेरी बात, मैं शक्ति साधक अवश्य हूं, मगर मेरा मार्ग योग परक तंत्र का मार्ग है। यही कारण है कि अदृश्य आत्माओं और तमोमयी पारलौकिक शक्तियों की ज्वालामुखी के बीच रहते हुए भी मैं और मेरी आत्मा सदैव अप्रभावित ही रहती हैं। आजकल नरेश मंडल कलकत्ता में है, कालीघाट के एक मकान में एकांत वास कर रहा है और ज्योतिष पर पुस्तक लिख रहा है। पिछले साल दिसंबर में जब मैं कलकत्ता गया था तो उससे मिला था। जब मैंने मासिक पत्रिका सच्ची कहानियां की प्रति उसको दी तो वह एक बारगी चौक पड़ा अपने संबंध में पढ़कर। फिर बोला, यह सब तो ठीक है, मगर मेरा पता किसी को मत देना, वरना मेरी शांति भंग हो जाएगी। कलकत्ता में तुमको हजारों लोग जानते हैं, वे लोग आकर मुझसे तरह तरह के प्रश्न करने लग जाएंगे, यह सब मैं नहीं चाहता। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में आपका सुझाव जरूर दें हमारे चैनल को कि क्या नया करना चाहिए, कहां मैं गलतियां करता हूं कहानियों में। और साथ में ये भी बताएं आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अगर आप और भी ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के वीडियोस में आप हमारी कहानियां सुन सकते हैं, और आपको हमारी स्क्रीन पर भी कुछ कहानियां दिख रही होंगी, वहां से भी आप हमारी कहानियां सुन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।